आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं चार शॉर्ट रेंज की टिप्स। और फिर से मेरी सेटिंग से शुरू हुई शुरुआत। सो गाइस, कुछ नहीं, आपको बस ये चार टिप्स फॉलो करनी है तो आप लोग इजीली शॉर्ट रेंज की फाइट जीत सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप इजीली शॉर्ट रेंज की फाइट जीत सकते हैं। बस बस आप लोग ये पांच टिप्स फॉलो कर लेना तो आप लोग जीत जाएंगे शॉर्ट रेंज की फाइट। अरे भाई उठा दे। सो गाइस, पहली टिप्स है रीड एनिमीज माइंड। सो गाइस देख सकते हैं ये बंदे को मैंने कैसे ख़त्म किया, क्योंकि वो मुझे लग रहा था उस साइड से आएगा, फिर मैंने देख लिया इस साइड से। अगर वो उस साइड से आता तो पहले ही मैं धप्पा दे देता उसको। रीड एनिमीज माइंड। जी हाँ गाइस, रीड एनिमीज माइंड मतलब समझो यहाँ से कोई है ना, ये नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो गाइस कुछ नहीं, मैंने इधर फिर उसको लगा कि मैं साइड से आ गया, फिर से साइड और मुझे दमारा। पहले तो ये कर लेता। तो गाइस एक एडवांस टिप्स दे देता हूँ। तो गाइस बस आपको कुछ नहीं, वॉल के यूज से भी आप जीत सकते हैं शॉर्ट रेंज की फाइट। बस आपको वॉल का भी यूज करना है। ये देखो, ये समझ नहीं पाया एनिमी कमांड और मुझे रिवाइव देने लगा। तो ये वो देखो, पीछे वाला समझ गया, पीछे से बंदा है तो पीछे जाके मारना है। ऐसे इसको बोलते हैं रीड एनिमी कमांड। मेरे दोस्त ने कर लिया, मैंने उसको पहले ही बता दिया। तो गाइस दूसरी टिप थी एनिमी कमांड को रीड करना। अब तीसरी टिप है, टिप बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक और टिप बोल लो उसकी टिप का एक चीज़ बताना भूल गया था कि आपको मोको कैरेक्टर मोको लेना, जिससे वो क्रेस कर लेता है बंदा किधर है और वो बता देगा बंदा इधर है। देखना अभी मैं एक को डैमेज दूंगा। ये देखो ऊपर ये एरो है, अब मुझे समझ में आ गया। मैं इस साइड ग्रेनेड फेंक दूंगा, दोनों साइड साइड में एक बंदा गया था जो ऊपर एक, देखिए वॉल के पीछे भी आ रहा, तो मोको कभी धोखा नहीं देगी। सो गाइस दूसरी टिप्स तो थी रीड एनिमीज माइंड और उसमें एक मोको कैरेक्टर बहुत काम की रहती है। अब देखो उसके पास मोको नहीं, मैंने पोजीशन चेंज कर ली, अब मेरे पास मोको है। मैं फिर से पोजीशन चेंज कर लूँगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो ऐसे आपको कुछ नहीं, पोजीशन चेंज करते रहनी है और बंदों को पता भी नहीं चलना चाहिए आपने कब चेंज कर ली पोजीशन। सो गाइस तीसरी टिप्स है, तीसरी टिप्स है आपको एक परमानेंट गन लेनी शॉर्ट रेंज की, जैसे MP40 आपकी, आप अपनी फेवरेट गन। जैसे मुझे वेक्टर पसंद है अभी क्लैश स्क्वाड में, और उसमें मुझे रैंक में MP40। मैं ऐसे करूँगा, देखो मैं वेक्टर ही लेता हूँ हर बार। गाइस आपको एक परमानेंट गन चलानी है। डोंट ट्रस्ट ऑन एनिमी। जी हाँ गाइस देखो, मेरे दोस्त बंदे ने नॉक करा, मैंने पहले वॉल लगा के पहले उसको बचाऊंगा, फिर एनिमी को मारूंगा। ये देखो एक नॉक, ये खत्म। देख सकते हैं ऐसे आपको एनिमी पे रश नहीं करना। देखो मैंने रश कर दिया, वो उसने मुझे मार दिया। अब ये देखो, ये थी तीसरी टिप, आपको पेशेंस लेना है जिससे आप इजीली कर पाए। और फिर चौथी टिप आती है यूज ट्रेनिंग। जी हाँ गाइस, आपको ट्रेनिंग मोड यूज करना है, उससे ये रहेगा कि आप मतलब इजीली वो कर सकते हैं। अगर आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग ट्रेनिंग में जाओ जरूरी है पूरे दिन उसमें जाओ, ऐसा नहीं। अगर जो लोग जाते हैं ट्रेनिंग में, बस का 90 और स्नाइपिंग को छोड़ के शॉर्ट रेंज की फाइट करेंगे, वो शॉर्ट रेंज का ही इलाका है। जी हाँ गाइस,
वो शॉर्ट रेंज के लिए है, कुछ लोग आ जाते हैं का 98 वो लेके AWM लेके, और सब कोई जो प्रैक्टिस करने आते हैं शॉर्ट रेंज की वो भी नहीं कर पाते और वो खुद नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोग को कुछ नहीं, का 98 या AWM की बजाय अगर आप लोग नहीं चलाते तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट रेंज ही चलाते हो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और पर लॉन्ग रेंज चलाते हो तो आप मतलब इजली बोल लो का 98 चलाते हो तो मतलब आप किसी को प्रैक्टिस करने नहीं दोगे। जी हाँ गाइस ऐसा मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, मुझे भी कुछ लोग आके मार जाते हैं, लोग बिल्कुल नहीं चलाइए जिससे दूसरे बंदे भी प्रैक्टिस कर पाए आप शॉर्ट रेंज के लिए। सो गाइस मैं प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप लोग ना करिए प्लीज़, ट्रेनिंग में जाके नहीं मारिए किसी को स्नाइपिंग से, शॉर्ट रेंज की फाइट लीजिए उधर पे, जिससे आपके भी फायदा होगा दूसरे बंदे भी कर पाएंगे इजी अपने बारे में भी और दूसरे बारे के में भी। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, सो गाइस जिनको वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, फिर से बोला चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।